फाइनली सब कुछ हो गया है और ये हमारा पहला ट्रिप है। तो बहुत टाइम से था पर कभी मथुरा नहीं गई है, तो मैंने कहा चलो मैं घुमा के लाता हूँ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और जैसा कि मेरा 30 डे 30 ब्लॉग्स का चैलेंज चल रहा है सेम लोकेशन पे, तो अभी जस्ट मैंने एक ब्लॉग खत्म किया था और इसी के साथ एक नया ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और अभी बज रहे हैं रात के 11:30। और मैं बताऊँ, कल सुबह एक हम लोग का लॉन्ग टूर प्लान हो रहा है, और कहाँ जाएंगे वो आप लोग आगे ब्लॉग में ही देखना। बाकी फिलहाल अभी कल के लिए कपड़े निकाल लेते हैं जो हमें कल पहन के जाने हैं। तो गाइस, अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हमें उठना 5 बजे था, बट इतनी एक्साइटमेंट इतनी हो रही है मम्मी के साथ पहली बार ऐसी ट्रिप करते हुए कि हम 4:30 बजे उठ गए और फटाफट फ्रेश होते हैं और चलते हैं पार्किंग। अब चलते हैं फटाफट पार्किंग से गाड़ी निकाल के लेके लाते हैं, तो उसको वॉश भी तो करनी पड़ेगी। सो गाइस, गाड़ी तो ले आए हैं, फटाफट इसको साफ करते हैं। तो गाइस, प्लान में थोड़ा चेंजेस है। मैं, मम्मी और प्रशांत ही जाएंगे। डैडी का जो प्लान था, डैडी नहीं जा रहे हैं और दीदी की तबीयत खराब है इसलिए दीदी नहीं जा रही। रात में तो प्लान सबका था, बट अब हम तीनों ही जा रहे हैं बस। सब कुछ हो गया है और ये हमारा पहला ट्रिप है, मतलब मेरा तो पहला ट्रिप है जिसको मैं मम्मी को लेके जा रहा हूँ। प्लान तो डैडी को लेके जाने का था, बट पहला ट्रिप और पहला ही ट्रिप हमारी अपनी गाड़ी से, तो देखते हैं कैसा रहेगा। तो पहली बार मैं भी जा रहा हूँ, मैं साथ कहेंगे या तुम घूमने? नहीं। हाँ, तो हम तीनों लोग पहली बार जा रहे हैं, देखते हैं कैसा रहेगा। बाकी मथुरा चलना है तो श्री राधे, चलते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग ग्रेटर नोएडा पहुँच चुके हैं और बहुत मजा आ रहा है। और मम्मी से पूछो कैसा एक्सपीरियंस है। मम्मी कैसा लग रहा है? सही चला रहे हैं ना। और मम्मी गाइस पहली बार जा रही है मथुरा, बिकॉज मम्मी का सपना तो बहुत टाइम से था पर कभी मथुरा नहीं गई है। तो मैंने कहा चलो मैं घुमा के लाता हूँ, अब तक कोई दिक्कत ही नहीं है। सो गाइज, हमने अभी पहला टोल क्रॉस कर लिया है और अब थोड़ा सा चाय वाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं। तो मम्मी को खिलाएंगे यहाँ के फेमस पनीर पकौड़े और चाय। हमने नाश्ता तो कर लिया है, अब सीधे हम लोग चलेंगे वृंदावन, तो आपको वृंदावन में मिलते हैं। तो गाइज, वृंदावन में तो हम एंट्री करके हैं, अब बस 5 से 10 मिनट में मंदिर पहुँचने वाले हैं। अगर हम लोग 8 बजे निकले तो 10 बजे करीब करीब पहुंच गए हैं। टाइम हो गया है अभी जैसे कि 10:01 और हमने वृंदावन पहुंच गए हैं। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं, गाड़ी भी पार्क कर दी है, अब चलते हैं मंदिर के अंदर। फाइनली दर्शन तो हो गए। जैसा कि आपको पता, हम लोग मंदिर घूम के आ चुके हैं और हम लोग घर जा रहे हैं, घर की तरफ जा रहे हैं। मम्मी कैसा लगा घूम के? दर्शन अच्छे से हुए? मजेदार? नहीं, बहुत गर्मी बहुत थी वहाँ पे। हाँ, गर्मी तो बहुत थी, बट मेरा तो इतना, मतलब मुझे तो मथुरा इतना पसंद है कि गर्मी में वहाँ अंदर तो पता नहीं चल रही थी, बाहर है तब पता चल रही थी। ये तो है। देखो गाइस, मैं एक लोग को मिलाता हूँ आपसे, और जो आपने कभी नहीं देखा होगा मेरे ब्लॉग में, पवन भी आया था, वो भी अपनी फैमिली के साथ। तो अभी हमें यहाँ पे एक रास्ते में मिला है, तो अब यहाँ पे कुछ थोड़ा खाएंगे पियेंगे और उसके बाद चलते हैं आगे। तो गाइस, हमने यहाँ पे थोड़ी चाय पी है और हम निकल रहे हैं जल्दी से घर, बस गर्मी बहुत है। हम लोग नोएडा पहुँच चुके हैं, एक्सप्रेस वे छोड़ दिया हमने। और ये मेरा ड्रीम था कि मैं मम्मी को, मतलब कोई भी टूर पे लेके जाऊं, बट मथुरा तो मेरा फेवरेट जगह है। मैंने कितनी बार बोल दिया आप लोगों को आज, तो आज मथुरा गए, बहुत अच्छा लगा। और अभी बस चल घर चलते हैं, फिर कुछ खाते हैं, मुझे भूख बहुत तेज लग रही है। मैंने आपको पहचानते हैं, पीछे सीट पर घेर के बैठी है वहाँ से लेकर। और ये देखिए, अभी यहाँ पे आपको मिठाई का डब्बा भी दिख जाएगा। ये देखिए डब्बा, देख रहे हैं आप, जिसमें मिठाई रखी है। कल वाली मिठाई मम्मी ने रखी है, मम्मी ने कहा था मैं खाऊंगी रास्ते में, मुझे चक्कर रख कर आ जाता है। ठीक है मम्मी, रख लो। गाइस, मैं और मम्मी यहाँ पे वेट कर रहे हैं गाड़ी में, परेशान किया हमारे लिए कुछ खाने के लाने के लिए, बिकॉज घर तक जाने का सबर हमारे अंदर नहीं था। हम यही खाएंगे जो खाएंगे। खुश हो ना मम्मी? हाँ। अच्छा लगा ना? पता गाइस, ये प्लान था कल मम्मी के बर्थडे वाले दिन, पर हमने सोचा कि मम्मी का बर्थडे वाले दिन घर पे सेलिब्रेट कर लेते हैं और आज घूम लेंगे। तो जाइए, घूम के बहुत मजा आया। मेरा बहुत सपना था कि मम्मी को मैं एक बार मथुरा घुमाऊँ अपने ड्राइविंग पे, तो हो गया पूरा आज। सो गाइज, हमारा खाना भी आ गया है, हमने बर्गर किंग से बर्गर मंगाया है
और ये देखो ये कौन है, ये कौन है देखो गाइस, ये लोग घर पे बैठे रहते हैं और ये लोग नहीं आते हैं। कुछ नहीं गाइस, झूठ बोल रहे हैं गाइस, झूठ मूठ की खांसी दिखा रहे हैं गाइस। चलो फटाफट खाते हैं बर्गर। वाओ। A few moments later. So guys, कल मैं आके बहुत थक गया था और अभी भी मैं व्लॉग एडिट कर रहा था, मैंने देखा कि लास्ट क्लिप तो मैंने शूट ही नहीं की है। तो गाइज क्या था ना कि कल फर्स्ट टाइम मैंने अपने लाइफ में इतनी लंबी ड्राइव की है 5 घंटे की, जो कि एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग है। बट क्या था कि आने के बाद थक गया इसलिए सो गया था, इसलिए व्लॉग एंड नहीं कर पाया था। तो व्लॉग एंड करने के लिए हमने आज का अभी का टाइम चुना है। बाकी मम्मी का सपना था जो पूरा हो गया, मेरा भी सपना था वो भी पूरा हो गया। इस एक ट्रिप में बहुत सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हुई हैं, बहुत सारी चीज़ सीखने को भी मिली है मुझे। बाकी आगे और भी ज़्यादा, अब तो घर से छूट भी हो गई, घर को दिखा दिया गाड़ी चलाना आता ही है। तो अब बहुत जगह जाएंगे और जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पर ब्लॉग आते रहेंगे। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है, बिकॉज अगर तो बेल आइकन नहीं दबाओगे सब्सक्राइब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो बेल आइकन दबा लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना।